आज नए महामहिम के लिए मतदान हुआ। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे, जिसकी संभावना थी वही हुआ। विपक्ष की ओर से कई पार्टियों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने की राह में पहले ही रोड़ा अटका दिया, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप बताया, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से तेजस्वी पर चौतरफा वार हुआ। लेकिन आंकड़े द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिख रहे हैं, इसीलिए बीजेपी खुश है। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसकी तस्वीर तो 21 जुलाई को ही साफ होगी। वैसे तो नंबर गेम में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं, और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के पश्चात जो है उसके बाद आगे बढ़ करके फिर वो विधानसभा का चुनाव लड़ी, दो बार विधायक रही, मंत्री रही उड़ीसा सरकार में, और गवर्नर के नाते उनने अपनी भूमिका निभाई, और भूमिका निभाने के पश्चात अब राष्ट्रपति की वो उम्मीदवार हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी एक शानदार जीत होगी। दिल्ली में संसद भवन में सांसदों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वोट डाला। वहीं राज्यों की विधानसभाओं में मुख्यमंत्रियों और विधायकों ने नए महामहिम के लिए वोट डाले। अब इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें 7 मुख्यमंत्री वोट डाल रहे हैं। इस बीच यशवंत सिन्हा ने सांसदों, विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। अब आज वोटिंग हो रही है, मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है, और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई। विपक्ष के कई विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। क्रॉस वोटिंग करने वालों में कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के विधायक शामिल हैं। गुजरात में एनसीपी के एकमात्र विधायक कांधल जाडेजा ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। वहीं अखिलेश यादव लखनऊ में अपने विधायकों को साथ लिए घूमते रहे, लेकिन उनके ही विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दी। बरेली के भोजीपुरा विधायक शाजील इस्लाम और अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने क्रॉस वोटिंग। जिस ढंग से यशवंत सिन्हा जी ने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को ISI का एजेंट कहा था, वास्तव में सभी विधायक जो विपक्षी दलों के हैं बहुत दुखी हैं। वो चाहते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य वयोवृद्ध नेता हैं, हम सब लोग भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। इस प्रकार से उनके ऊपर अनर्गल आरोप जिन लोगों ने लगाए थे, उनको एक वोट भी उत्तर प्रदेश से पाने का अधिकार नहीं है। तो उनसे क्या सुझाव लिया है, हमसे क्या सुझाव लिया है, आज हम जानना, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में आजम भाई को छोड़ करके हमसे बड़ा सीनियर कौन है, तो क्या हमसे सुझाव लिया है क्या। विपक्ष के साथ गठबंधन सरकार चला चुके उद्धव ठाकरे पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर चुके थे। वहीं झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया। जब सहयोगी ही साथ नहीं, तो कांग्रेस के विधायकों में भी बगावत नजर आई। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप बता दिया। देश में जो माहौल है अराजकता का, नफरत का, घृणा का, भेदभाव का, जहां संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आज जरूरत है ऐसी पद पर, राष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो वाकई में सारी चीजों को देख सके।